यस स्टूडेंट, आज सीबीएसई का और एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। टर्म वन प्रैक्टिकल नंबर टू है। आप देख रहे होंगे लीड बोर्ड में मैंने लिखा है, क्या है हमारा प्रैक्टिकल का एम? टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर बाय ए मीटर। स्कूल में आपको टीचर जो है वो इसका थ्योरी अच्छे से डिस्क्रिप्शन कर देंगे, पर थ्योरी डिस्क्रिप्शन करना मेरा एम नहीं है। मेरा एम है प्रैक्टिकली बताना कैसे कैसे आप अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करोगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें ऑपरेटर से, ये मीटर की है, एक स्केल लगा हुआ है वो एक मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स। देखिए बेटा, जो जो डिवाइस है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स है, आप देखो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स का ये अगर मैं पॉइंट को यहाँ लिखा है 100 है, ठीक है, ये 100 आप इस इफेक्टिव हो जाएगा, इसको बंद कर दूंगा। अभी इस रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, 0। जो जो पॉइंट में जहाँ दिख रहा है ना, उसी को अगर मैं हम खोलेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस इफेक्ट हो जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, आपके लैब में आपको ऐसे देखने को मिलेगा वो रेजिस्टेंस। दूसरा चीज़ जो है हमारे पास ये है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, 30 रेंज वाला गैल्वेनोमीटर, ये यहाँ पे लगाया जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर है। और अब जिस वायर की हम रेजिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं वो है ये नाइक कॉन्स्टेंट टेन वायर है जो यहाँ लगा हुआ है इस पॉइंट में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं, क्या ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का लेंथ एल है, और यहाँ का लेंथ कितना है 100 माइनस। जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो क्या है, इस रेजिस्टेंस और इस लेंथ ऑफ वायर का रेशियो, मतलब आर बाई एल, इधर से लिखो कितना आसानी से लिखोगे, आर बाई एल इजिकल टू यहाँ पे कितना है एस, और यहाँ रिमेनिंग लेंथ कितना है 100 बाई एस अपॉन 100 माइनस। ये इसी से क्या है, इस फॉर्मूला से आप फिर आगे आप लिख लोगे एस इक्वल टू आर बाई एल इंटू 100 माइनस एल। अब इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिए, अगर इस रेजिस्टेंस बॉक्स की इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप बढ़ाते हो तो आर बाई एल रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट इसको फिक्स करने के लिए आप एल को भी बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या, यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो बैलेंस पॉइंट आपका ए, मान लीजिए ये मान लीजिए बी है, तो ए से बी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या है, जैसे आर की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट ए से शिफ्ट होकर बी की ओर होगा, जब ए ज्यादा होंगे, ठीक है, तो आपको बैलेंस पॉइंट ए के इस साइड मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे, ठीक है बेटा। आज हम आपको मतलब इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे क्या क्या डिवाइस है, कैसे इसको जोड़ा जाता है। पहले तो आप एक सेल है ये, ठीक है, ये 2 वोल्ट की सेल है, एक बार मेजर करके आपको दिखाते हैं। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, आप देखो डिजिटल मीटर है, 1.90 है, अप्रॉक्सीमेटली 2 है, 2 वोल्ट का एक स्टोरेज सेल है। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक रियोस्टेट से जुड़ा गया, और रियोस्टेट की एक पॉइंट, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट का नाम हम बताएंगे ए पॉइंट, मतलब जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंट मीटर ब्रिज का जिस पॉइंट से जुड़ा जाएगा ए पॉइंट। और इधर से देखिए, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से एक की है, की से यहाँ क्लोज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सर्किट ऑन हो जाएगा तो चलना शुरू हो जाएगा, ये 1 वे की है। फिर यहाँ बी पॉइंट में जुड़ा हुआ है, ये एक स्ट्रिप है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से एक जिस रेजिस्टेंस का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, एक कॉन्स्टेंट वायर है, ये हमने लगा दिया इस पॉइंट में। और इस पॉइंट में क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, देखिए गैल्वेनोमीटर का रेंज जो है 0 to 30, ठीक। और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव पॉइंट से एक जॉकी लगा हुआ है, इसलिए जॉकी है, अच्छा से देखिए, ठीक। अब जॉकी
ये पॉइंट को देखिए, ये जॉकी है और जॉकी यहाँ से क्या है ना, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, इस पॉइंट में रेजिस्टेंस बॉक्स है और रेजिस्टेंस बॉक्स की जो रेंज है वो आप देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट करके 10 है। ठीक है बेटा, ये क्या है रेजिस्टेंस बॉक्स है और यहाँ पे देखो इसका रेंज 0.1 से स्टार्ट करके एकदम 10 ओम तक है। ठीक है, 10 ओम तक है ये। ठीक है, ठीक। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे इसका रीडिंग लेना है। बोलो 1, 2, 3। ठीक है, अब पूरा सेटअप को एक बार आपको दिखा देते हैं। ये की हो गया, हीटर बीट हो गया, सेल हो गया, रियोस्टेट हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। फिर हमें इसको यहाँ की को क्लोज करता हूँ, फिर इस जॉकी को उठाना है। ठीक है, इस पॉइंट में टच कराना है। देखो गैल्वेनोमीटर राइट में डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, राइट में डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, राइट में। ठीक, अब जब मैं इस पॉइंट में टच कराऊंगा, आप देखो ये लेफ्ट में जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक, अब हम क्या है धीरे धीरे इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है वो प्रोसीज्योर बता रहा हूँ। पहले हम रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना है 2 ओम रेजिस्टेंस हम खोलेंगे। अब देखिए ये 2 ओम है, 2 ओम खोल दिया है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे जॉकी को धीरे धीरे स्लाइड करते जा रहा हूँ, स्लाइड करते जा रहा हूँ। ठीक है, अब भी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, अब भी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं यहाँ पे, और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ाता हूँ, और आगे बढ़ाता हूँ, और अब धीरे धीरे आगे करता हूँ। देखिए जैसे गैल्वेनोमीटर धीरे 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 जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ पे जब जीरो आ गया मेरा रीडिंग देखिए एकदम 60 में क्या हो गया एकदम आपका रीडिंग एकदम ज़ीरो पे आ गया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस रीडिंग को आपको क्या है आपके सामने जो कॉपी रखा हुआ है उसमें नोट करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना है देखिए 2 ओम हमने निकाल दिया, 2 ओम लिख दिया। पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट कौन सा, बी पॉइंट से। अब पहले एल पॉइंट यहाँ 60 है, बी पॉइंट में क्या होगा आपका यहाँ पे 100 माइनस एल मतलब 40 हो जाएगा। ठीक है, और आप ये आपका पोजीशन ऑफ वही। ठीक है बेटा, जो हम पहले जो बता रहा था रीडिंग और एक बार देख लीजिए रीडिंग। ठीक है, ये मैंने 51, 50 फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखिए एकदम 60 पे जीरो आ गया, एकदम रीडिंग धीरे देखो कम है, फिर जब 60 में आऊँगा ये जीरो हो गया। ठीक है, अब रीडिंग कैसे लिख रहा हूँ देखिए, ये आपका 2 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स में यहाँ 2 ओम हमने इफेक्टिव कर दिया, 2 ओम है। पोजीशन ये जो बी 60, फिर लेंथ 60, फिर 100 माइनस एल मतलब 100 माइनस 60 40 हो जाएगा। फिर ये जो फार्मूला है इस फार्मूला में पुट कर देना, तो आपको यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है इस फार्मूला में पुट कर दोगे ये मिल जाएगा। फिर दोबारा रीडिंग लेके आप दिखा रहा हूँ। अब हम इफेक्टिव करेंगे 3 ओम इफेक्ट कर देंगे। अब 3 ओम उठाने के बाद ये देखिए ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये खोल लिया, सब नीट एंड टाइट आपको रखना है। और फिर आपको धीरे धीरे जॉकी को स्लाइड कराना है यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं आया, फिर उठा के रख दिया, फिर देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा धीरे धीरे। ये जो है बेटा, जब मैं अब यहाँ पे टच करा रहा हूँ रीडिंग नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे मैं स्लाइड कर रहा हूँ, बहुत हल्का सा स्लाइड। अब यहाँ पे देखिए ये बढ़ रहा है, जीरो के करीब बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जीरो आ गया। ये रीडिंग आप ध्यान से देखिए 65 आया, और मेरा जॉकी देखिए कहाँ पे है 65 में, और वहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रीडिंग कहाँ लिखेंगे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका 65 आ जाएगा और यहाँ पे आपका ये भी 65, और ये 100 से 65 माइनस कर दो 35 आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग हम लेंगे और ज़्यादा। हाँ ऐसे ही बेटा, यहाँ पे जैसे दो रीडिंग मैंने लिया है, ऐसे और आप दो रीडिंग लो के चार रीडिंग करके एवरेज करके यहाँ क्या है, अब अननोन रेजिस्टेंस निकाल लोगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, यहाँ यहाँ मिल जाएगा, फिर एवरेज कर देना और वो हमें मिल जाएगा। ऐसे करके हमें जिस वायर का रेजिस्टेंस पता नहीं था, हम मीटर रीड से उस वायर की रेजिस्टेंस निकाल लिया है।